हेलो दोस्तों, बिजनेस मैथमेटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जो हमारे पास टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का। आज हम जो है वो कॉस्ट फंक्शंस को मिनिमाइज़ करके देखेंगे कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है, तो आप जो है वो इसको एंड से शुरुआत से एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई है तो डिफरेंशिएशन की, तो वो भी आप जो है वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कैसे किया जाता है वो अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बता दिया था। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आप सभी को बताऊंगा कि कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने उस वीडियो में आप सभी को बताया होगा कि कॉस्ट फंक्शंस को मिनिमाइज़ किया जाता है, क्योंकि जो फैक्ट्री होती है वो चाहेगी कम से कम कॉस्ट आए, और जो प्रॉफिट है रेवेन्यू है, फर्म चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हो, इस वजह से उसको मैक्सिमाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है 2014 में। तो देखिए हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है वो सी एक्स की फॉर्म में होता है, मैंने आप सभी को वैल्यू बताया हुआ है, वो दिया हुआ है 4860 प्लस 7500 एक्स प्लस 15x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पर आप जो है वो एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करके बताइए। ठीक है, वो मिनिमम कॉस्ट बताइए जिससे वो अपने प्राइस को चार्ज करने में हेल्प हो सके फर्म को। ठीक है ना, तो एवरेज कॉस्ट को आप मिनिमाइज़ कीजिए यहाँ पर। तो हमें एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज़ करनी है, तो सबसे पहले आप सभी को एवरेज कॉस्ट निकालनी भी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले जब एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, एसी निकालते हैं, एसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होती है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाता है। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है सी एक्स, और एक्स या हमारे पास क्वांटिटी जो है वो एक्स है। तो आप इस पूरे फंक्शन को जो दिया हुआ है 4860 प्लस 750000 एक्स प्लस 15x स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे आप किससे, x से। ठीक है, तो आप जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 4860 बाय एक्स प्लस 750000 प्लस 15x ओनली। ठीक है, देखिए x से हमने इसको नीचे x रख दिया, इससे x से x कट गया और इससे एक पावर कट गई, यहाँ पर नीचे x बचा रह गया s वाले के। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट आ गया। अब मैंने क्या बताया था, अगर इसे मिनिमाइज़ करना होता है तो सबसे पहले आप जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएशन कीजिए। तो हम एसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो भी किसका, एसी फंक्शन का। तो एसी फंक्शन ये रहा हमारे सबके पास। अब देखिए अगर 460 को अलग ही मैं रखूं, 460 को अलग ही रखूं, तो आपके पास अब ये क्या फंक्शन बच रहा है, 1/x बच रहा है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का स्क्वायर, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्लस में। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट आ गई आप सभी की, ये रही एवरेज कॉस्ट। दूसरा स्टेप क्या होता था, ये तो हो गया हमारे पास क्या, स्टेप वन। अब स्टेप टू में क्या होता था, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जो डिफरेंशिएशन हमने निकाला है फंक्शन का, उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो आप इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, यानी कि -4860 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 15 को आपने जीरो के इक्वल पुट किया। तो सबसे पहले आप इसको इधर लेकर जाएंगे, तो 4860 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -15। अब ये यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पीछे क्या बचा होगा, लिख देते हैं हम 4860 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15 बचा होगा। अब आप क्या करेंगे, 1 रख के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4860 अपॉन में 15 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर लेंगे, 15 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 15 थ्री जा और 2 और फिर इसके बाद कितना बच गया, 60 यानी कि 4 आ गया। तो 324 आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो बोथ साइड रूट लगा देंगे,
ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा तो एक्स ही बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट का 324, ठीक है। तो जब आप 324 का रूट निकालते हैं आपको पता हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। रूट में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18। 18 का रूट हमारे पास कितना होता है, 324 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो आपके पास आया होगा फंक्शन, इस फंक्शन का आप क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डबल डेरिवेटिव के लिए फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ये था डिफरेंशिएशन, पहला डेरिवेटिव करने के बाद इसका दोबारा से डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन यहाँ ना हो। हमने डेरिवेटिव निकाला था इसी का और हमारे पास आया था 4860 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस में था 15, ठीक है। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे आप, अगर इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका होगा ये जो माइनस है, यहाँ पावर बढ़ जाएगी, यहाँ पावर बढ़ जाएगी और हमारे पास ऊपर भी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो ये कैसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, 4860 तो बिल्कुल कांस्टेंट है, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये नीचे एक्स स्क्वायर है ना हमारे पास, तो क्या होता है पावर क्या होती है, डेरिवेटिव जब होता है हमारे पास 1 पावर में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे तब लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं उसको बढ़ाते हैं। जब आप उसको बढ़ाएंगे मतलब डेरिवेटिव करते हैं तो आप पावर नीचे आती है, जैसे 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव आपने किया था तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव किया था तो पावर बढ़ गई थी, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गई थी और माइनस साइन आ गया था। इसी तरीके से इस बार स्क्वायर है और पावर बढ़ जाएगी तो आपके पास माइनस का एक्स की पावर 3 आ जाएगा ना, ये डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब अगर 3 पावर आ जाएगी और माइनस का होगा और ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से इस माइनस को हटा देते हैं और नीचे पावर कितनी लगा दें, और ऊपर देखो 3 भी आया होगा साथ में, हमारे पास कितना आता है, रुक जाइए दोस्तों, एक गलती हो गई है, दोबारा लिख देता हूँ। 1 बाय एक्स का निकाला था तो 1 एक्स स्क्वायर आया था, इस बार हमारे पास क्या होगा, पावर क्या होगी, बढ़ेगी और 2 आएगी नीचे, क्योंकि पावर 1 होती है तो वो 1 ऊपर पहुंच जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार आप करेंगे तो ये माइनस में और एक्स बाय 3 और 1 पावर कम होकर ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो ये 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब, ठीक है। तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी, 9720, ठीक है, अपॉन में एक्स का क्यूब। अब आप देखिए ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। आप एक्स की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 9720 आता है, और 9720 क्या है, 0 से तो ज़्यादा ही है, 0 से ज़्यादा ही है। और हमें पता है कि जब हम इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करते हैं, d2 बाय dx2 किया है हमने यहाँ एसी फंक्शन का, ठीक है, जब हम इसका डबल डेरिवेटिव कर देते हैं तो वो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, अगर मिनिमाइज़ कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 है एट कौन से पॉइंट पे है, व्हेन, जब हमारे पास एक्स इक्वल्स टू कितना है, 18 है। तो जब एक्स इक्वल्स टू 18 हम यूनिट को बना रहे हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, मिनिमाइज़ हो रही है, ठीक है। हमने यहाँ पर निकाल कर आप सभी को दिखा दिया है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि किस तरीके से हमको कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद आएंगी उसमें हम जो है वो कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज़ करना भी सीखेंगे, प्रॉफिट और रेवेन्यू फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना भी सीखेंगे। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट कर मुझे बताएँ, और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए आप वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर आप नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो आप जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप सभी को देखने को मिल जाए, जैसे ही कोई नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।